नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे क्या ओबेसिटी यानी मोटापा क्या एक अमीर कंट्रीज की ही प्रॉब्लम है या फिर ये गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं, जैसे जिसमें इंडिया भी आता है, क्या उसमें भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। इन जनरल लोग ये मानते हैं कि मोटापा या ओबेसिटी जो है ये एक डेवलप्ड नेशन जहाँ पे लोगों को खाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और वो बहुत सारा खाना बाहर से अफोर्ड करते हैं, उन नेशंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी लोग एक तरफ बहुत मैल नरिश्ड हैं यानी उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर साल ये बढ़ रही है और एजुकेशन लेवल कम होने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। यानी कि जिन लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है वो अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनमें मोटापे की प्रॉब्लम कम हो रही है, और जो लोग अभी इतने एजुकेटेड नहीं हैं वो अपनी सेहत को और ओबेसिटी को एज अ डिजीज नहीं मानते और उनमें मोटापे की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू वो लोग जो ज़्यादा रिच हैं या ज़्यादा डेवलप्ड है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लगे कि ये प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी जो है ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, ये बहुत हद तक हमारी कम्युनिटी में रेलिवेंट है। इनमें होने वाला जो प्रॉब्लम्स हैं वो एशियंस में ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर एक तरह का मोटापा आप यूरोपियन या अमेरिकन लोगों में देखें और उतना ही एक्सेस वेट इंडियन मेल्स और फीमेल्स में हो, तो एशियंस में कॉम्प्लिकेशंस यानी कि शुगर, बीपी, ये होने का चांस ज़्यादा है फॉर सेम एक्सेस वेट एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो अमेरिकन या यूरोपियन है, क्योंकि एशियंस की जीन्स में मोटापे से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस मच अर्लियर देखी गई हैं। इसीलिए आप देख सकते होंगे कि हमारे कंट्रीज में जो हार्ट अटैक की एज ग्रुप है वो कम है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। सो इस बात का ध्यान रखिए कि जो मोटापा या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ये एजुकेशन लेवल से कम होती है। अगर आप भी अपने एजुकेशन लेवल और ख़ास तौर पे मोटापे को लेकर जो आपकी अवेयरनेस है उसे बेटर करें, अपनी फूड चॉइसेस अच्छी करें, तो आप भी इस चीज़ से दूर रह सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं तो आप इसे कम करने में हेल्प कर सकते हैं।